डर था कि केजरीवाल अगर पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करेगा तो इनकी सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए मेरे को अंदर किया। ये तो भला हो, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा जा केजरीवाल 21 दिन प्रचार कर ले। तो मैं पूरे जिस वक्त अरविंद केजरीवाल पंजाब में व्यापारियों को अपने प्रचार मुहिम के फायदे गिना रहे थे, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से अर्जी पड़ चुकी थी। कहा गया कि केजरीवाल की जमानत एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी जाए। हवाला दिया गया केजरीवाल की बीमारी से जुड़े गंभीर संकेतों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को एक हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराया तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है। तिहाड़ में भी उनका वजन घट रहा था और बाद में जब वो दिल्ली में अपने घर भी आ गए हैं तब भी उनका वजन जो है वापस वो रीगेन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स की राय ये है कि उनको दो चीज़ें, एक तो वजन का घटना और दूसरा कीटोन का हाई लेवल होना इंडिकेट करता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी केजरीवाल की बीमारी से जुड़े गंभीर लक्षणों का जिक्र कर रहे हैं। सवाल है कि मामला अगर इतना गंभीर है तो जांच कराने में देरी क्यों हो रही है। जवाब मिला, केजरीवाल अभी प्रचार में व्यस्त हैं, प्रचार थमेगा तब जांच होगी। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा है। वैसे जिस वक्त आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बीमारी और उनके प्रचार कार्यक्रम का हवाला देकर जमानत बढ़ाने की अर्जी को जायज ठहरा रही थी, ठीक उसी वक्त पंजाब में केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह के सियासी घेरेबंदी के चक्कर में बड़ी बात कह गए। हवाला दिया गृह मंत्री की लुधियाना रैली का, दोनों के बयान सुने। जो जो लोग पंजाब में आतंकवाद की बात करते हैं वो कान खोलकर सुन लो, अपना भला इच्छते हो तो आतंकवाद से दूर रहना वरना हम किसी को नहीं बख्शेंगे, ये मेरा पंजाब की जनता को वादा है। पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम। कल गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाना आए थे और वहाँ पे पहले तो उन्होंने पंजाब के लोगों को खूब गाली गलौज किया, गालियाँ दी पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी देके चले गए पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को। पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे भी देते, लेकिन इस तरह के धमकी और गुंडागर्दी करके करोगे तो ये देख लेना अमित शाह जी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पंजाब के लोगों को इस तरह से धमकी देना बंद करो। केजरीवाल पंजाब में बिजी हैं, इधर दिल्ली में बीजेपी ने उनकी बेल एक्सटेंशन वाली अर्जी को मुद्दा बना दिया। कह रही है जेल जाने की बारी आई तो केजरीवाल बीमार हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेके सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट हेल्थ ग्राउंड पर केजरीवाल की जमानत बढ़ाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी जमानत वाले मुद्दे को सियासी अखाड़े में लंबा खींचने वाली है।